नमस्कार, प्रणाम आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड और आज हम जानेंगे इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस। BREATH ब्रेथ और BREATH ब्रीद, दो शब्दों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, एक्सहेल इनहेल, जो सांस लेने की प्रक्रिया है। तो BREATH ब्रेथ और BREATH ब्रीद है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये बिल्कुल आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों ऑप्शन आ गए या इसी प्रकार का ऑप्शन आता है जो एकदम एक जैसा ही लगता है, सिमिलर होता है, और वहां पे आप कंफ्यूज होते हो, आज आइए जानते हैं BREATH ब्रेक्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग जानने से पहले इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को जानना पड़ेगा। तो BREATH ब्रेक ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। और BREATH ब्रीद, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है, ये हमारा वर्ब होता है। BREATH ये हमारा क्या है, नाउन है। ब्रीद क्या है, हमारा वर्ब है। BREATH ब्रीद का मीनिंग क्या होता है, एयर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ कंसोनेंट। सांस लेने की जो प्रक्रिया है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे BREATH ब्रेथ बोलते हैं। और BREATH ब्रीद क्या है, इनहेल और एक्सहेल करना, सांस लेना और छोड़ना, वो हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। एन एक्शन ऑफ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग एयर ड्यूरिंग द लंग्स, जो फेफड़े में जाता है उसे बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि BREATH ब्रेक ये हमारा नाउन है और BREATH ब्रीद हमारा क्या है, वर्ब है। एग्जांपल के तौर पे BREATH ब्रीद की बात करें, टेक अ ब्रेक, इट विल बी ओके, सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। बोला गया टेक अ, ये आपका आर्टिकल है, आफ्टर आर्टिकल वी हैव टू यूज नाउन। आर्टिकल के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाउन का करते हैं। आप देखिए BREATH का इस्तेमाल हमने किया है, अगर यही पे BREATH ई कर दिया जाए, सिर्फ ई का मामला है, ई का मसला है, अगर टेक अ ब्रीद किया जाए तो ये हमारा गलत हो जाएगा और हमारे मार्क्स चले जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपने गलती करी, एक लेटर का फर्क था, थोड़ा सा कंफ्यूजन, और हमने गलती किया, मामला हो गया चौपट है। तो ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि BREATH ब्रेथ ये हमारा क्या होगा, नाउन होता है, और BREATH ब्रीद ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। एग्जांपल देखिए, आफ्टर द रेस आई वुड हार्डली ब्रीद, रेस के बाद बड़ी मुश्किल से सांस ले सका। देखिए आफ्टर द रेस आई कुड आपका क्या है, मोडाल है, और मोडाल के बाद अगर किसी प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल करना है तो वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा, आई कुड हार्डली। हार्डली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। आई कुड हार्डली ब्रीद ये आपका यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ग्रामर में आप पढ़ते हैं कि मोडाल प्लस धीवन होता है, ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए, ही शुड मोडाल गो धीवन, तो मोडाल प्लस धीवन होता, तो कुड प्लस ब्रीद आया है। अगर इसी ब्रीद की जगह पे BREATH ब्रीद का इस्तेमाल कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मोडाल के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए, नाउन नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो BREATH ब्रीद क्या है, नाउन है, और BREATH ब्रीद क्या है, हमारा वर्ब है। और हमने आपको बताया है कि शब्दों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे जाना जाता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल प्रोफाइल। और यहाँ पे तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल ने हमें हेल्प किया कि BREATH ये हमारा नाउन होता एंड BREATHE ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल, मीनिंग, कोनोटेशन, कोलोकेशन, डिग्री, यूसेज, इन सभी चीजों को ध्यान में आप रखेंगे तभी जाके वोकैब के बीच का डिफरेंस और उस डिफरेंस से निकला हुआ कंफ्यूजन उसे आप दूर कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, देखेंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और फिर चीजों को समझ के चौहान के सिलेबस पे बने ही रहेंगे, कहीं जाने का नहीं है।